अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सदरा आतिफ और आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता की रेसिपी। बहुत ही इजी है, आप सारी चीज़ें पहले से जमा करके रख लीजिए तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ले लेंगे, ठीक है। ऑयल लेगा साथ में, आप बताती रहूँगी क्वान्टिटी में इनकी। मिल्क ले लेंगे और सब चीज़ें पहले रख लीजिएगा, बाकी क्वान्टिटी में आपको साथ के साथ बताती रहूँगी, ठीक है। हम आटा ले लेंगे ऑल पर्पज़, ठीक है। और ये है चीज़, चेडर चीज़ ले लें या फिर मोज़रेला ले लें, ये मोज़रेला है। ये टोमेटो की प्यूरी है और उसके अलावा ये ब्लैक पेपर है, ये पार्सले है और ये सॉल्ट है ज़ाल्स, ठीक है। और ये चिली फ्लेक्स हैं, यानी कि लाल मिर्च कुटी हुई, ठीक है। एक चॉप्ड अनियन ले लेंगे, थोड़ी सी ये वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स। और ये हैं लहसुन, उसको हम चॉप कर लेंगे, ठीक है। और ये है चिकन, ठीक है, थोड़ी सी चिकन है, इसका एक प्लेट ले लेंगे। और ये हमारी पास्ता है, दो कप ये पास्ता है फुल, ठीक है। ये बटर है, थोड़ा सा बटर भी डलेगा। सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। अब हमारा जो स्टेप है वो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। इसको मैं गर्म पानी कर लेती हूँ, उसके अंदर एक चम्मच ऑयल और सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। जनाब पानी गर्म हो रहा है हमारा, जब तक पानी हमारा गर्म हो रहा है मैं इसमें एक चम्मच सॉल्ट ऐड कर देती हूँ और एक टेबल स्पून ऑयल। ऑयल भी ऐड कर दिया और सॉल्ट भी ऐड कर दिया। जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा मैं इसके अंदर पास्ता को ऐड कर दूंगी। अब मैं आपको बॉईल करने के बाद दिखाऊंगी, ठीक है जी। जनाब जब तक हमारा पास्ता जो है वो बॉईल हो रहा है, मैं आपको बाहर का जर्मनी का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है स्नोफॉल हुई है रात को और देखिए कितना खूबसूरत हो गया है, सब कुछ वाइट वाइट हो गया है और अच्छा लग रहा है ना। चलें जी अब इसकी बाकी सॉसेजेस की तरफ चलते हैं, बनाते हैं उनको। पास्ता मैंने इसमें ऐड कर दी है, इतना ये बॉयल हो रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ। एक पैन में ऑयल ले लिया है एक तरफ, ठीक है। मैंने लहसुन चॉप किया और ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसको ब्राउन होने में। अभी इसकी तरह मिक्स कर लेते हैं। ब्लैक पेपर ऐड करूँगी इसमें हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन, छोटी छोटी मैंने चॉप करके इसमें डाल दी, छोटी छोटी क्लिप्स की मैंने बना रही हूँ। टमाटर की प्यूरी ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून, ठीक है। मैं रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून, थोड़ी सी पार्सले मैंने इसमें ऐड कर ली है, एक टेबल तो मिक्स कर लेंगे। जैसे ये थोड़ी सी मिक्स हो जाएंगे मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी चीज़। बस को अब हम जो है ना ये कुक हो चुकी है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, ठीक है। अब हमारा पास्ता भी देखें होने वाला है, बस 10-15 मिनट्स इसको करना है। अब हम अलग से एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर बटर थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही हमारा ये जो बटर है ये मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें एक चम्मच भर के जो है वो ऑल पर्पज़ फ्लोर जो मैंने आपसे कहा है वो ऐड करेंगे। ऑल
ध्यान रहे इसके अंदर कोई खुटली वगैरह ना रहे, ठीक है। जैसे ही ऐसे हो जाए तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर देंगे। ये देखिए ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिर्च जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करना, ठीक है। ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अब इसके अंदर मैं इसको थोड़ी सी चीज़ ऐड कर लेती हूँ इसके अंदर। जैसे ये मेल्ट हो जाएगी समझे ये रेडी है हमारी सॉस, ठीक है। तो फिर मैंने एक कप मिल्क आप ऐड करना है इसमें। वैसे आप आराम आराम से डालिएगा, आपको खुद इसकी थिकनेस बताएगी कि इसमें कितना मिल्क ऐड होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिक हो रहा हो तो आहिस्ता आहिस्ता और डालते रहें इसमें, ठीक है। और प्यारी सी सॉस तैयार हो गई। हमारी ये सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, सॉस भी रेडी है, हमारा ये जो बैटर हमने बनाया था चिकन का वो भी रेडी है, हमारी पास्ता भी रेडी है, ठीक है। और अब हम इन सब चीज़ों को इस पतीली में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा चीज़ी पास्ता जो है वो रेडी हो गया है, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अब आपने इसके अंदर जो मेरा ऊपर से हाथ में थोड़ी सी चीज़ जो है वो ऐड कर देनी है। अगर आप चाहें तो उसको ओवन में बेक कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आपके पास माइक्रो होगा आप माइक्रो में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। चीज़ी पास्ता हमारा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। जी जनाब, हमारा चीज़ी पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसे अवन में या माइक्रोवेव में बेक करने के लिए रखूँगी थोड़ी सी देर के लिए, और उसके बाद इसको लिख दिखाऊँगी आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।